सॉलिड स्टेट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। यार लास्ट लेक्चर में अपन ने वॉइड्स के बारे में जान लिया कि ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब उसका यूज आने वाला है जब अपन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के, वहां पर जो वॉइड्स हैं उनका बहुत बड़ा यूज आता है, ठीक है। तो जिसने भी अभी वॉइड्स वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखे फिर यहां पर आए, क्योंकि अगर वॉइड समझ आएगा तो ये बहुत आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारी क्लास का वो है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, की आयनिक कंपाउंड जो सिंपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड में बढ़ते हैं अपन आगे, और सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारे पास रेडियस रेशो रूल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल आ रहा है वो क्या है हमारे पास, रेडियस रेशो रूल। कि रेडियस रेशो रूल होता क्या है यार, रेडियस रेशो किसका रेडियस रेशो भाई, कैटायन इज टू एनायन का रेशियो भाई, रेडियस ऑफ कैटायन इज टू रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो हमें क्या बताता है उसकी बात करेंगे, इस रेशियो से हमें क्या मालूम चलता है, ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारे आज की क्लास का वो है रेडियस रेशो रूल, के रेडियस रेशो रूल होता क्या है, रेडियस रेशो किसका, कैटायन इज टू एनायन का रेडियस रेशो। अब बात करते हैं कि अगर आपका रेडियस रेशो कहां पर होता है, 0.115 से लेकर 0.225 तक होता है, तो आपका ट्राइगोनल वॉइड्स वहां पर फॉर्म होता है। और ठीक है, यहां पर जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो रेडियस रेशो है, रेडियस इज टू कैटायन अपॉन रेडियस इज टू एनायन जो आपका रेशो है, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन इज टू रेडियस ऑफ एनायन जो रेशो है वो अगर 0.115 से लेकर 0.225 तक होता है तो आपका ट्राइगोनल वॉइड फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल देखा जाता है क्या, बोरोन ऑक्साइड, बोरोन जो ऑक्साइड होता है उसमें ट्राइगोनल वॉइड्स होता है और उसका जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.115 से लेकर 0.225 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहां पर फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल देखा जाता है ZnS एंड CF2, कैल्शियम फ्लोराइड जो है और ZnS जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पर फॉर्म होता है और उनका रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.712 तक होता है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा और इसका एग्जांपल देखा जाता है NaCl, ठीक है, रोज आप देखते हो NaCl अपने सामने जब आप खाना खाते हो, ठीक है, तो NaCl ना हो बेटा तो कमी बहुत महसूस होती है, ठीक है, तो याद रखें NaCl होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा और जो रेडियस रेशियो रहेगा वो 0.414 से लेकर 0.712 के बीच में रहेगा। अब आपके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी कि बाबा जी अगर रेडियस रेशियो 0.225 होता है, 0.414 होता है, 0.712 होता है तो क्या होगा, थोड़ा सा सब्र करो उसका आंसर भी आपको जल्द मिलेगा। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.712 से लेकर 1 के बीच में होता है तो आपका क्यूबिक वॉइड फॉर्म होता है, इसका एग्जांपल देखा जाता है सीजियम क्लोराइड CSCl। अब आपके सवाल का जवाब कि अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 होता है तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 होता है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, और अगर आपका रेडियस रेशियो 0.712 होता है तो आपका क्यूबिक वॉइड फॉर्म होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो रेडियस रेशियो है वो ध्यान रखने है कि रेडियस रेशियो कहां से कहां तक होना चाहिए, कौन सा वॉइड फॉर्म होगा, और एग्जांपल, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड का एग्जांपल बोरोन ऑक्साइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जांपल ZnS और CaF2, ऑक्टाहेड्रल NaCl और क्यूबिक वॉइड CSCl। अब बात करते हैं अपन एक टेबल के फॉर्म में यहां पर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अलग अलग कंपाउंड्स के, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर पहले स्ट्रक्चर, फिर रेडियस रेशियो, फिर अरेंजमेंट, देन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन इज टू एनायन का पढ़ना है, ठीक है, कैटायन इज टू एनायन का रेडियस रेशियो है कि कितने कैटायन ने एनायन को घेर के रखा हुआ है और कितने एनायन ने कैटायन को घेर के रखा हुआ है, इन सब का अपन रेडियस रेशियो बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास NaCl, रॉक सॉल्ट जिसे आप बोलते हो, ठीक है, रॉक सॉल्ट जिसे NaCl के नाम से जानते हो, और रेडियस रेशियो अभी भाई पढ़ा है कितना होता है भाई, 0.414 से लेकर 0.732
टू तक यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड से फॉर्म होता है। और अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट का पता चलता है कि जो कैटायन है एन ए पॉजिटिव वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, वो क्या कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना रहा है, वहां पर जाकर बैठ रहा है। और वहीं आपका जो सीएल नेगेटिव है वो सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट पैकिंग बना रहा है भाई, ठीक है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो कैटायन होता है, जो छोटा आयन होता है यार, वो क्या करता है इंटरस्टीशियल साइड में जाकर बैठ जाता है, वो इंटरस्टीशियल साइड में जाकर क्या होता है बैठ जाता है, जो होलो स्पेस होती है वहां पर जो वॉइड्स होते हैं वहां पर जाकर बैठ जाता है। और जो बड़ा आयन होता है जनरली बोल रहा हूं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरली जो बड़ा आयन होता है वो क्या करता है पैकेजिंग बनाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे सॉलिड में। तो जो सोडियम है एन ए पॉजिटिव कैटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, और जो सीएल नेगेटिव है वो सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट बना रहा है। और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है 6:6 का, यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएससीएल सीजियम क्लोराइड, यहां पर जो रेडियस रेशियो है वो 0.712 से लेकर 0.1 तक होता है भाई, 0.712 से लेकर 1 तक। यहां पर जो अरेंजमेंट की बात करें तो जो सीजियम है वो क्यूबिक वॉइड में जाता है, वो क्यूबिक वॉइड में जाता है, और सीएल नेगेटिव है वो एवरी कॉर्नर ऑफ बीसीसी, बीसीसी के एवरी कॉर्नर बनाता है भाई सीएल नेगेटिव। और यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8:8 पाया जाता है, ठीक है, सीएससीएल में, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ZNS, ZNS की अगर बात करें ZNS और CF2 जो इसके बाद है CF2, इन दोनों में रेडियस रेशियो सेम रहेगा 0.225 से लेकर 0.414 तक। यहां पर जो रेडियस रेशियो है वो कितना है 0.225 से लेकर 0.414 तक, याद रखेंगे, ठीक है, इनका रेडियस रेशियो तो सेम है। अब बात करते हैं कि अरेंजमेंट कैसा है भाई, ठीक है, अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अरेंजमेंट ध्यान रखें। यहां पर जो ZNS है उसमें ZN+2 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं, याद रखना है, ठीक है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं ZN+2। और S-2 क्या करता है सीसीपी पैकिंग बनाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है तो वो वॉइड्स में चला जाता है, और एनायन का साइज बड़ा होता है इसलिए वो पैकिंग बनाता है। लेकिन CF2 के केस में उल्टा है मेरे दोस्त की, यहां पर जो CA+2 है, जो CA+2 है वो सीसीपी पैकिंग बनाता है, वो सीसीपी पैकिंग बनाता है, और जो आपका F नेगेटिव है वो क्या करता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर उल्टा है CAF2, इस बात का ध्यान रखें, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो यहां पर स्टार मार्क कर लें जैसे आपको कुछ याद रहे भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ZNS में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 4:4 का होता है, और CF2 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 8:8 का होता है। अब बात करते हैं कि यहां पर जो आपके क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन है या तो अरेंजमेंट से आता है या कोऑर्डिनेशन नंबर से आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और रेडियस रेशियो बहुत सरल है, ठीक है, हर किसी को याद होते हैं रेडियस रेशियो रूट के बराबर ही है 4, 1, 4, 7, 1, 2, 1, तो यहां पर इनको याद रखना बड़ा आसान होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा डिफिकल्ट लेवल वो अरेंजमेंट या कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछा जाता है, तो अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है यार, ऐसा अगर टेबल आप बना लेते हो तो इनको याद रखना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत कई सारी चीजों को आपने याद रखा हुआ है यार, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मतलब इन्हें तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिंपल आयनिक कंपाउंड का। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड अपन कुछ इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, अगर आप टेबल बना लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है उसे रिवाइज करना यार, क्योंकि टेबल जो होता है वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बसता है, ठीक है, कुछ चीज होती है जैसे देखते हो एकदम दिमाग में क्लिक करती है, वैसे टेबल का हाल होता है। अगर आपने टेबल एक बार अच्छी तरीके से देख लिया तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है, तो टेबल जरूर बनाए, टेबल बनाओगे तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हो।